मित्रों, जिंदगी जब बेहतर होती है जब हमें खुशी मिलती है, लेकिन उस समय जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जी नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जी नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि जी नाम वाले लोग कैसे होते हैं और उसके बाद आपके जुलाई से दिसंबर तक के 6 महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जी नाम वाले लोग कैसे होते हैं। बहुत ही आकर्षक और मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, काफ़ी रचनात्मक स्वभाव के होते हैं और जी नाम वाले लोग ईमानदार और नियम कानून के पक्के लोग माने जाते हैं। थोड़ा शर्मीले भी हो सकते हैं, संवेदनशील भी हो सकते हैं, दिखावटी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और ये लोग जो है सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होते हैं और जी नाम वाले लोग कभी भी अपने कार्यों में किसी की भी दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और जी नाम वाले लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, यही इनकी थोड़ी सी कमी होती है। और वैसे इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के सामने साझा नहीं करते और इनको जो चीज़ अच्छी और उचित लगती है उसके लिए ये अंतिम समय तक लड़ना पसंद करते हैं। बहुत दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं, दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं और जी नाम वाले लोग अपने आसपास के लोगों को अच्छे से ध्यान रखते हैं, चाहे फिर इनका परिवार हो या मित्र हो। ये आदर्शवादी होने के साथ साथ रोमांटिक स्वभाव के भी होते हैं और जी नाम वाले लोग मन में किसी के प्रति नकारात्मक भाव ज़्यादातर नहीं रखते, कभी कभी अपने दायरे से बाहर जाकर भी लोगों की मदद करते हैं। जी नाम वाले लोग काफ़ी खुले विचार के होते हैं और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति इनकी पसंद होते हैं और शादी के प्रति इनका नज़रिया काफ़ी तार्किक और बौद्धिक भी होता है और ये लोग प्रैक्टिकल जीवन जीना चाहते हैं और एक बार ये किसी के प्रति अगर कोई भी बात का वादा कर देते हैं तो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ते। ये हमेशा बिगड़े को बेहतर और बेहतर को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश में जीवन भर लगे रहते हैं। अपने पार्टनर की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते और ये दूसरों को भी कभी परेशानी में नहीं डालते हैं, तो फिर वो अपने साथी को कैसे परेशानी में डाल सकते हैं। परिवार की हर जरूरत के लिए हमेशा आगे रहते हैं जी नाम वाले लोग। तो कुछ इस तरह के होते हैं जी नाम वाले। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं जी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो जी नाम वाले लोगों के राशिफल में सबसे पहले जी नाम वाले लोगों के धन की बात करेंगे। ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, धन और आय के मामले में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। वैसे आप जो ये महीने हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक के, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको नवंबर और दिसंबर में धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और जुलाई से अक्टूबर तक का जो समय है वहाँ पर भी आप उत्साह और ऊर्जा से भरे रहेंगे। ये 6 के 6 महीने काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे, काफ़ी उत्साहित रहेंगे, अपने कार्यों को समय पर पूरा करेंगे और जो भी आप कार्य करते हैं नियमित स्रोतों से आपकी आय भी होती रहेगी और धन का आवागमन भी होता रहेगा। लेकिन नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। अक्टूबर तक समय में कोई भी खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अचानक कोई ना कोई लाभ भी देखने को मिल सकता है। तो धन और आय के मामले में अक्टूबर तक के लिए मैं यही कहूंगा कि आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे और नवंबर और दिसंबर में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर ये 6 महीने जो है आपके धन और आय के लिए बेहतर ही रहेंगे। व्यापार कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए उसमें जुलाई से दिसंबर तक के समय में अगस्त और सितंबर के ऐसे महीने होंगे जब आपको व्यापार कारोबार में और नौकरी में भी अचानक संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, यानी आपको अचानक खर्चे परेशान कर सकते हैं। और ये भी बात है कि अगस्त और सितंबर के महीने में अचानक हानि और अचानक लाभ के योग भी बनेंगे आपके व्यापार कारोबार में, तो आपको कोई अचानक लाभ भी मिल सकता है लेकिन अचानक हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो व्यापार कारोबार और नौकरी में अगस्त और सितंबर के दोनों महीने आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें अगर नौकरी करते हैं, अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें, वहाँ पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीने
बेहतर जाएंगे, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर में सामान्य परिणाम रहेंगे और नवंबर और दिसंबर में बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे और जुलाई भी आपको अच्छे परिणाम दिखाएगी। व्यापार, कारोबार और नौकरी में बस आपको अपने सहयोगियों के साथ और बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और अगस्त सितंबर में किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से व्यापार, कारोबार और नौकरी में यानी अपने कार्य क्षेत्र में बचना है। और बाकी आपके लिए कुछ इस तरह के 6 महीने रहने वाले हैं। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए भी मैं यही कहूँगा कि बेहतर समय रहेगा, बस आपको अगस्त सितंबर का ध्यान रखना है और नवंबर तो आपका सामान्य परिणाम आपको दे ही देगा। अगस्त सितंबर में किसी भी प्रकार के अगर विस्तार करते हैं आप व्यापार कारोबार में तो सोच समझ कर करें, वरना वहाँ हानि उठानी पड़ सकती है। और नौकरी में भी अगर बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप नौकरी को सोच समझ कर ही बदलें। अगस्त सितंबर का महीना आपको संघर्ष दिखा सकता है और जुलाई और अक्टूबर आपको सामान्य परिणाम देगा और नवंबर और दिसंबर आपको बेहतर परिणाम देगा, तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन में जो ये 6 महीने हैं यहाँ पर पारिवारिक जीवन में भी आपको नवंबर और दिसंबर में ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन अक्टूबर तक के समय में आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ गलतफहमियों से बचना है, मित्रों के साथ गलतफहमियों से बचना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। बड़े भाई बहनों के साथ, घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमियां ना हो, शंकाएं ना हो, और अगर कोई गलतफहमियां या शंकाएं होती हैं तो वहां पर वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आपको चलने की सलाह है मेरी अक्टूबर तक के समय में, वरना पारिवारिक जीवन में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। नवंबर और दिसंबर पारिवारिक जीवन में अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, नवंबर और दिसंबर आपको काफी बेहतर परिणाम दिखाएगा, यहां पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी जो समय है वो सामान्य सा समय रहेगा अगर आप तालमेल बनाकर चलते हैं, और अगर आप तालमेल नहीं बनाते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा करते हैं, बहस करते हैं, गलतफहमियां करते हैं, शंकाएं करते हैं, तो वाद विवाद भी हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ ऐसा ही परिणाम मिलने वाला है। अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा, खासकर अक्टूबर तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और नवंबर और दिसंबर में भी स्वास्थ्य के मामले में आपको बहुत आराम मिलने वाला नहीं है। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहां पर जो 6 के 6 महीने हैं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होती है कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, तो स्वास्थ्य के मामले में आपको 6 के 6 महीने ध्यान रखकर चलना है। बाकी नई स्वास्थ्य समस्याएं नहीं दिख रही हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर में स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखकर आपको चलना होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, शिक्षा में कोई दिक्कतें नहीं है, शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। और जुलाई के महीने में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम होता है तो वहां पर आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, कंपटीशन एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं, मेहनत करें, जुलाई का महीना बेहतर परिणाम आपको देगा। अगस्त के महीने में थोड़ी सी एकाग्रता बनाकर रखनी होगी, वहाँ परिवार के कार्यों के चलते आपका समय बर्बाद हो सकता है, तो वहाँ पर अपना समय बर्बाद होने से बचाएं, एकाग्रता बनाकर रखें। और बाकी अगर हम देखें तो सारा समय आपको शिक्षा के लिए बेहतरीन रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा, और अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर जुलाई के महीने में कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़्यादा बेहतर है, अगस्त के महीने में थोड़ा सा एकाग्रता बनाकर रखनी है, और बाकी जितना समय है अगर देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में आपकी मधुरता बनी रहेगी, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, वहाँ पर आप अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहें। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो वहाँ पर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा, और जीवन साथी के साथ अहम और क्रोध के चलते कोई ना कोई वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और बाकी सारा समय अगर हम देखें तो अच्छा ही रहेगा वैवाहिक संबंधों में, लेकिन जीवन साथी के सामने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर जीवन साथी से कोई मतभेद चल रहे हैं तो अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा है, और अगस्त में आप प्रयास करें, आपको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं, खासकर 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का जो समय है वहाँ पर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई भी मतभेद दूर कर सकते हैं। वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है, कोई भी मतभेद चल रहा है, तो उसे आप दूर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और फिर अगर आगे हम देखें तो 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक का समय भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा वैवाहिक संबंधों के लिए, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे जो मैंने
मैंने समय बताए हैं, यहाँ पर अगर कोई वाद विवाद है तो उसे भी समाप्त कर सकते हैं। और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीने में आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है, खासकर नवंबर और दिसंबर में, और कोई ना कोई साथी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो वो तलाश आपकी वहाँ पर पूरी हो सकती है, यानी आपके जीवन में साथी आ सकता है और आपकी विवाह की बात पक्की हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका विवाह भी हो सकता है। तो वैवाहिक संबंधों के लिए कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखना आपको बहुत आवश्यक होगा, खासकर नवंबर और दिसंबर के महीने में, और वहाँ पर गलतफहमियाँ आपके वाद विवाद को बढ़ा सकती हैं, वहाँ पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। बाकी सारा समय आपको धैर्य और संयम के साथ ही अपने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करनी है, वरना वहाँ बहुत जल्दी जल्दी गलतफहमियाँ देखने को मिल सकती हैं। चलिए मित्रों, प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में जो आपके लिए प्रेम संबंधों में कैसा रहने वाला है, तो जुलाई के महीने में आप अपने साथी के साथ बहस से बचें, इस बात का ध्यान रखें, वरना वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। अगस्त का महीना काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा, वहां पर रोमांच भी रहेगा और संबंध बहुत मजबूत रहेंगे। सितंबर में भी बढ़िया परिणाम मिलेंगे। अक्टूबर के महीने में रोमांच ज़्यादा रहेगा, लेकिन छोटे मोटे वाद विवाद आपके प्रेम संबंधों में हो सकते हैं, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। नवंबर और दिसंबर आपको अच्छे परिणाम दिखाएंगे, वहां पर बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, नवंबर और दिसंबर अच्छे परिणाम आपको दिखाएंगे, वहां पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और अगस्त का महीना और सितंबर का महीना भी अच्छे परिणाम दिखाएगा। कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने अहम और क्रोध पर नियंत्रण रखकर चलना होगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय जी नाम वाले लोगों के लिए यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें, एक लोटा जल शिवलिंग पर रोजाना सुबह नहा धोकर अर्पित करें, और रोजाना नहीं कर सकते हैं तो फिर सोमवार को कम से कम अवश्य करें, और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित करें। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि बुधवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, हरा चारा भी खिला सकते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जी नाम वाले लोगों के जुलाई से दिसंबर 2023 तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।